लेके सब कुछ चीजें, नहीं कैसा लगा? अरेंजमेंट साफ अरेंजमेंट नहीं है। अच्छा नहीं है, अच्छा सही बात बोले तो, क्लीन नहीं है कुछ भी। हाँ। काम चालू है वो बात अलग है, पर मैंने तो देखे चाहिए ना, मैं जिधर से जा रहा था सब जाले बिले, मंदिर में भी जाले दिखे, मंदिर को में जाले हैं। और लाइट बंद करो, मोबाइल बंद करो, मगर अपने मंदिर को पहले साफ सफाई करो, वो सुनो, लोगों का मन साफ नहीं है। तो फाइनली महादेव के दर्शन हो चुके हैं और हमारे साथ है भाऊ, या भाऊ भाऊ, तो हमारे साथ है अंधेरी के लोग हैं, कहाँ से आप लोग? बोरीली, बोरीली गोराई से, गोराई से, तो वहाँ के लोग भी मिले हैं, तो बहुत अच्छा लगा कि यार लालबाग से है, सही है। तो अभी जा रहे हैं गुफ भीमा शंकर के वहाँ पे स्थान पे, इधर से ही जाने के, तो आप देख सकते हो रास्ता देखो कैसा है भाई, नहीं आगे तो सीधा नहीं है, थोड़ा सा सीधा भी है, जंगल है, तो आप लोग देख सकते हो ये ट्रैकिंग टाइप है, हम लोग ट्रैकिंग ही कर रहे हैं, आपको चप्पल पहन के आए हैं ना, ओहो ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे पूरा बारिश के टाइम पे पूरा पानी भरता रहेगा, तो आप लोग देख सकते हो। और एक आपको बोलना चाहता हूँ, आपको कैसा लगा वो भीमा शंकर का अपना मंदिर? पर मुझे जो चाहिए था वैसा नहीं हुआ, क्योंकि शिव जी को अभिषेक अपन कवच पहना के नहीं कर सकते, बिना कवच पहना के ही कर सकते, बस थोड़ा दिल टूट गया, पता नहीं यार, छोड़ो यार, 6 बजे तक रखते कवच, सॉरी 6 बजे तक, 6 बजे के बाद कवच पहना देते, बट हमारा बैड लक था, क्योंकि गर्दी भी लाइन भी, कल भी हम लोग गए थे उस दिन तो बहुत गर्दी था, तो हम लोग दर्शन किए ही नहीं, हम लोग बोले सुबह उठ के जाते, बट मुझे जल चढ़ाना था शिव जी के बिना कवच के ऊपर, पर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अभी तो अभी जा रहे, देखो रास्ता देखो, धने किधर है? जय भोलेनाथ, बोले हर हर महादेव। तो रास्ता देख सकते हो कैसा है, नहीं नहीं आ रहे थे पीछे, कितना सब्सक्राइबर है आपका चैनल पे? 850 के ऊपर हुआ है थोड़ा। अच्छा, अपने नहीं नहीं क्या कर, डालते रहने का, शॉर्ट वीडियो ज्यादा चलता है, और डिलीट नहीं मारने का कभी ज्यादा, क्योंकि उन लोग रुका देते फिर। अच्छा, अंदर डालने का, डिलीट नहीं मारने, नहीं मारने का, और खुद के वीडियो खुद नहीं देखने का ज्यादा। अच्छा ऐसा भी है क्या? हाँ, क्योंकि अपना व्यूज ज्यादा बढ़ाने के लिए कोई कोई खुद के भी वीडियो ज्यादा देखते हैं, तो वो उनको पता चलता है एल्गोरिथम सब सब कुछ, वीडियो डिलीट भी नहीं कर सकते एक बार डालने का सोच समझ के, नहीं तो लफड़ा, हमारा भी ऐसे ही अटक गया था ना। नहीं, मेरा एक्चुअली क्या है, मैं गाना डालता हूँ, गाना देखो बड़े वीडियो रहते ना आड़े, उसमें नो कॉपीराइट वाले गाने डालने के, नहीं कॉपीराइट नहीं, मेरा खुद का कंपोजिशन है मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा, कॉपीराइट वगैरह का कुछ नहीं है ना, सवाल नहीं उठते, सही है, कंपोजिशन है। अच्छा अच्छा, तो आपके जो ड्रीम मेंगर रहते, जितने अपने ग्रुप वाले रहते ना, वो लोग एक दूसरे को शेयर करेगा ना फटाफट, ऐसा मुझे आधे घंटे के अंदर सब आएगा ना, देखेंगे ना ज़्यादा, तो वीडियो चल जाता है फास्ट, अपने ही लोग में साथ देंगे तो फिर मतलब क्या होएगा, मेन वही रहता है, अपने लोग साथ देना चाहिए। अभी एक पुलिस वाले ने हम लोग को पैसा दिया था 100 रुपया, उधर मिले थे रास्ते में एक था, तो उसने बोला कि तुम भीमा शंकर जाने तो वहाँ पे 100 रुपया डाल देना, तो मतलब ठीक है। अच्छा, तने पकड़ दो एक मिनट, तो आज का इन लोग को पूछते हैं कि पहले आप लोग कहाँ पे गए थे? अभी इधर ही आए हम लोग रात को। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोग को दर्शन के मुझे दर्शन कैसे मिले, और कैसा मुझे अनुभव कैसा लगा तुम लोगों को यहाँ के अरेंजमेंट से लेके सब कुछ चीजें, कैसा लगा? अरेंजमेंट अच्छा नहीं है। अच्छा, सही बात बोले तो, क्लीन नहीं है कुछ भी। हाँ। काम चालू है वो बात अलग है, पर मैंने तो देखे चाहिए ना, मैं जिधर से जा रहा था सब जाले बिले, मंदिर में भी जाले दिखे, मंदिर को जाले है, और लाइट बंद करो, मोबाइल बंद करो, मगर अपने मंदिर को पहले साफ सफाई करो, वो सुनो, लोगों का मन साफ नहीं है, इतना बड़ा भगवान है,
तुम उसके नजदीक घर बांध के रखे रहे हैं, पूरा मंदिर का डेकोरेशन खराब कर दिया। और दूसरी बात है कि अगर तुम लोग जो पिलर है उसको अगर तुम लोग, अभी त्योहार है 3 दिन का कुछ फंक्शन है, तो तुम लोग यार वो क्या बोलते हैं अपना फूल से कुछ सजा के, सजाया भी नहीं कुछ, पंडरपुर में कैसे करते हैं। हाँ, अलग अलग अपने महाराष्ट्र के जो मंदिर है जैसे डेकोरेट किया जाता है वैसे श्रद्धा से कुछ किया नहीं जा रहा है। सही बात, पैसा डालो 500 रुपए में एंट्री लो, बस यही चल रहा है। अरे मेरे को कलावा बांधने के लिए तो मैं बोला बांध दो, तो बोलते कि हाथ में 500 रुपए ले रहे हैं, वो बोला कि बोर्ड लिखा है हाथ में पैसा रखो, वो बोला कि मेरे हाथ में पैसा रखो फिर कलावा बांधता हूं, तो मैं बोला पैसा है नहीं मेरे पास। ये सब गलत चल रहा है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी इसी तरह ध्यान देना चाहिए, ये तो पर्यटन क्षेत्र है, फिर इससे तो पब्लिक आनी चाहिए और पब्लिक को अच्छा लगना चाहिए। यहाँ पे रहने का भी मंत्री ने हर तीर्थ क्षेत्र में खुद घूमना चाहिए, जैसे नितिन गडकरी रास्ते के लिए घूम रहा है ना वैसे। क्योंकि मालूम है तुमको एक चीज बताता हूँ, मेरा अनुभव कहता है कि महाराष्ट्र छोड़ के बाकी जिले जितने भी है ना वहाँ पे सारे तीर्थ स्थान का ऐसा भव्य मंदिर से लेके बड़े बड़े, अभी तो अभी नया आपको सबको अनुभव है कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो राम मंदिर कैसे कर रहे हैं, राम मंदिर के लिए क्या क्या किया है, तो यहाँ भी हेलीपैड बनाओ, अच्छी सुविधा दो लोगों को, डायरेक्शन बताओ, यहाँ आने का रास्ता भी इतना एमआरडीसी का खराब है, डायरेक्शन नहीं लिखे कुछ नहीं है रास्ते पे डायरेक्शन, और यहाँ पे रूम का भी बोलते कोई 1400 कोई 1200 रूम का है, सब गंदा नहीं है, तो अब इधर पहुँचना मुश्किल है। क्योंकि इन लोग को, क्योंकि इन लोग के मंदिर के जो ट्रस्टी लोग है अपने को कैसा, यहाँ के लोग का लोकल का क्या, उन लोग का तो कमाई हम लोग करते हैं, पर यहाँ के जो ट्रस्टी है उनको तो कितने पैसे भी आते रहेंगे, पर यहाँ पे खुद का ट्रस्टी का ऐसे रूम बनाना चाहिए 500-1000 वाला रूम, मुझे ऐसा बनाना चाहिए कि उसे 200-300 का रूम मिले, पब्लिक इतनी झड़नी करके आते तो पैसा बहुत खर्च हो जाता, तो रूम के लिए इतना तो करना चाहिए इन लोग को, वो भी नहीं है कुछ इधर। ज्योतिर्लिंग अपना 3 ज्योतिर्लिंग है वो महाराष्ट्र में आए, पवित्र स्थान हुआ है वो भी कुछ नहीं है। उज्जैन में जाओ, उज्जैन देखो कैसा बना है, बना दिया अलग राज्य में जाओ, ऐसा दूसरे राज्य से कंपैरिजन नहीं, मगर वो क्या कर रहे हैं तो अपन क्या कर रहे हैं ये सोचो ना। हाँ वो तो है, भगवान तो ये सब देख रहा है ना, तो बस यहाँ का ये सब चीजें है। मैं तो पहली बार आया हूँ, 40 साल में मैं पहली बार यहाँ भीमाशंकर आया हूँ, वो भी एक्चुअली ये लोग मुझे लेके आए, और मैं भी तो मुझे बहुत अच्छा आया, तो बहुत ये श्रद्धा से आया था, अंदर सब अच्छा है, मगर ये जो झालिए भी ले लगे ना, जैसे पड़िक मंदिर रहता है और वहाँ जाते हैं ना वैसा दिख रहा है, चलो किसी को 500 रुपये में एंट्री मांगते बस, इसलिए लाइन जमा करके रखते हैं, धीरे धीरे भेजते हैं, क्योंकि गर्दी चलेगा तो लोग पैसा दे के चलेंगे। 3.5 घंटे हम लोग खड़े रहे, 4:45 बजे से लाइन लगाए, अभी दर्शन हुआ है। देखो यहाँ का ऐसा हाल है, अभी देखते गवर्नमेंट कैसा मालूम को, इसी साल आऊँगा ना तो ये जब सुन के कुछ ना कुछ फर्क पड़ना चाहिए, देखते हैं अभी इन लोग के ऊपर, इन लोग को क्या लगता है क्या नहीं लगता है। करो, सब लोग इसको देखो कि अपने भीमाशंकर को हमें ही बचाना है। हाँ वो तो है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और बाकी तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, बस मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के जितने भी गढ़ किले हैं, किसी सरकार ने कुछ किया नहीं, वादे किए अपन किसी ने कुछ नहीं किया, अपन जो मराठी लोकल है जो छत्रपति शिवाजी महाराज को चाहते उनके पैसे निकाल के उन लोग टीम बना के खुद वो सब जितने गिर गए उसको वापस से अच्छे से बनाने की कोशिश में लगे, पर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट का हक है, इतना पैसा टैक्स इतना मिल रहा है, जितने छत्रपति शिवाजी महाराज ने इतना कुछ किया पर उनके लिए कुछ नहीं किया, जितने भी मंदिर सलामत है ना छत्रपति शिवाजी महाराज उनके साथ जितने भी मामले थे एलियाभाई होलकर जी ने सब लोगों ने बहुत कुछ किया है, पर यहाँ पे मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, मैंने त्र्यंबकेश्वर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा देखी मैं खुश हुआ, और घृणेश्वर के वहाँ पे शायद से देखा कि नहीं पता नहीं याद नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे त्र्यंबक अपना भीमाशंकर पे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा होनी चाहिए थी पर वैसा कुछ नहीं मिला। ठीक है चलो, आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना कमेंट करके, ठीक है, हर हर महादेव, तो आपको लेके जाते हैं अभी, तो आप भी विजिट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इधर विजिट दे के खुद देखो क्या चल रहा है। सही बात है, इतना ही बताना है बस। ठीक है, आपको कैसा लगा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, चलो अभी जाते हैं गुप्त भीमाशंकर के लिए, ठीक है, हर हर महादेव। तो यहाँ का रूट बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे शायद से जानवर वगैरह भी आते रहेंगे पता नहीं, और हम लोग को कुछ प्राणी मिल गए तो भाई पता नहीं,
फोन में भी मोबाइल में भी कैप्चर करेंगे, पर उसके पहले अपनी जान बचाऊंगा मैं। शेर भी या कुछ चीता बीता आ गया तो, नहीं तो हमारा भी हो जाएगा, चीता भी पीता है। ठीक है, तो ये देखो रूट देखो बहुत सही है, मज़ा आ रहा है। ये रात के टाइम पे आओगे तो फिर पता नहीं कौन किधर हम किधर, तो ये चीज़ें बहुत है, ये बहुत चीज़ें है देखने जैसी, जो ये सब ट्रैकिंग टाइप ही एक्सपीरियंस लेना चाहिए। सब चीज़ें बहुत अच्छी है, देख सकते हो आप लोग कैसा रास्ता है। शाम के टाइम पे कभी मत आना, क्योंकि शाम के टाइम पे आओगे तो इधर जंगल है, तो आपको पता है दिन होता है अपना इंसानों का, रात होता है जानवरों का, भूतों का। जैसे दिन में तो अपना भगवान का भी दिन होता है, और रात का टाइम भगवान को सोने का दिन होता है, रात का जैसे अपन सोते हैं, और रात को जैसे भूत जानवर वो सब मंजे जागे रहते हैं, उनका एक टाइम दिया सब लोग, तो ये सब होता है। तो आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े पेड़ है, देखो बारिश के टाइम पे शायद से यहाँ से पानी की लहर जाती रहेगी, यहाँ से नीचे उतरती है, देख सकते हो आप। तो ये सब सही सही है, बहुत अच्छा है। तो अपना तने भाई किधर है, क्या मतलब रुकना पड़ेगा मेरे को। अरे कैसा चल रहा है, नकली जूता लेके। तो ये देखो जंगल देखो कैसा है। अभी तो हम लोग का टाइम बजा है अभी 8:37 हो चुका है, तो अभी कितना बचता है वो देखेंगे, फिर जल्दी जितना हो जाए तो हम लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल जाएंगे, देखते हैं अभी। चलो फिर मिलते हैं आगे, सूर्यदेव भी आ चुके हैं, देख रहे रहेगा आप। तो यहाँ पे सब जो भी अपनी मुरादें हैं पूरी हो जाए, इसके लिए यहाँ पे पत्थर के ऐसा करते हैं, आपने देखा रहेगा मेरी वीडियो में। यहाँ पे गणेश जी का मंदिर है, जय गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, वापस से एक मिनट सब आ जाओ, गणपति बाप्पा। यहाँ पे हनुमान जी है, जय बजरंग बली, बोलो बजरंग बली की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, हरा हरा महादेव। तो यहाँ पे एक झोपड़ा था, तो कैसा अभी है नहीं, तो यहाँ पे बड़े बड़े स्तन लोग जो योगी लोग यहाँ पे साधना करते हैं, फिर यहाँ से जाते हैं। यहाँ पे भी एक है जो यहाँ पे भी बैठते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा भी है गुप्त भीमा शंकर के लिए कैसे जाना है, तो यहाँ से अपने को सीधा जाना है। तो तने भाई कैसा लग रहा है, बढ़िया, क्या बात है, बढ़िया, सही है, एडवेंचर के मजे ले रहे हो, सही है। हम एडवेंचर के मजे नहीं ले रहे, हम सीधा महादेव के पास पहुंचना चाहते हैं। ट्रैकिंग तो कर रहे ना भाई, ट्रैकिंग तो करेंगे ना भाई, ट्रैकिंग का मतलब ही महादेव तक पहुंचना है, याद रखना। ट्रैकिंग ही का मतलब है महादेव तक पहुंचना, ऐसे ही नहीं मिलते महादेव सबको, भोले है उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ठीक है, हर हर महादेव, फिर आगे मिलते हैं। तो अभी नीचे उतरना है, तो तने भाई आजा नीचे, थोड़ा नीचे जा। तो अभी चलो, तो नीचे उतर रहे हम लोग, देख सकते हो देखो कैसा है। कभी भी आओगे बच्चे लोगों को भी हाथ पकड़ के आना, ऐसे ही मत आ जाना, क्योंकि तो थोड़ा रिस्की है। चल चल चल, अरे चलना। तो आपको तो आवाज़ तो नहीं आता रहेगा झरने का, मुझे आ रहा है जो पानी गिर रहा है। इसके बारे में तो आपको कहानी बताया था, पर यहाँ पे कुछ अलग ही कहानी है, उसका अभी मेरे को कोई महाराज देखना पड़ेगा, इसके बारे में बताएंगे। तो ये देखो पूरा व्यूज देखो, बारिश के टाइम पे पूरा पानी भरता रहेगा। वो देख सकते हो आप, हम अकेले नहीं आए, हमारे साथ छत्रपति शिवाजी महाराज भी आए हैं।
तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पानी का पूरा झरना। नीचे जाने का रास्ता किधर देखना, ये देखो पानी जा रहा है नीचे, देख सकते हो आप। दूर है था कमरे था वो रास्ता समझ में आ गया था, ये तो बहुत लंबा रास्ता है। गणपति मंदिर है हाँ, साक्षी विनायक मंदिर ऊपर है, एक मिनट चलो चलो। इधर है मालूम पड़ेगा हर हर महादेव। आप इस समय डाकिन्या पर्वत में हैं। अच्छा। डाकिन्या पर्वत अभ्यारण उसके अंदर ये जो है ये गुप्त भीमा शंकर के नाम से जाना जाता है। अच्छा। तो जो भीमा नाम का राक्षस था उसका वध करने के लिए पहले उसने तप किया, तो तप करने के से उसको वरदान महादेव ने ही दिया, उसने वरदान मांगा तो, और उसने जब तांडव किया तो महादेव को उसका वध भी करना पड़ा। तो वध करने के लिए उसका वरदान भी ऐसा था कि उनकी को तप करना ही पड़ा, तो वो यहाँ बैठ के महादेव ने तप किया। हाँ महादेव ने भोले शंकर ने, महादेव भोले शंकर ने यहाँ बैठ के तप किया, और तो जो वहाँ अपने ऊपर दर्शन किए शिवलिंग शंकर, भीमा शंकर, तो भीमा शंकर में जो शिवलिंग है उसके बीच में एक क्रॉस का निशान है, बीच में ऐसा क्रॉस का निशान है। उस क्रॉस के निशान से क्या ज्ञात होता है, उससे ये ज्ञात होता है कि अर्धनारीश्वर शिव शक्ति, अच्छा कोई भी नाम आप दे सकते हैं, जो वो सुपर पावर हुआ, जो दोनों एक कॉम्बिनेशन हुए, वो कॉम्बिनेशन यही हुए। अच्छा। इस जगह वो गुप्त क्रिया करने से गुप्त भीमा शंकर के नाम से ये जाने जाते हैं। और जो भीम नाम का वो राक्षस था, जब वो गड़गड़ाने लगा, बोला हमें आपके विद्रोह समझेंगे लोग, तो उन्होंने अपने नाम से उसको जोड़ दिया। सबसे पहले तेरा नाम आएगा, उसके बाद हमारा नाम आएगा, उसी के नाम से भीमा शंकर। गुप्त क्रिया करने से, गुप्त कैसे किसे जो आसानी से ना दिखे, तो वो साधना क्यों की गई महादेव ने साधना क्यों अरे की? जब बोला ना साधना क्यों की, यहाँ आदि शक्ति ग्रहण की उस भीम राक्षस को मारने के लिए। अच्छा। हाँ, तो जो अर्ध नारेश्वर हुए वो आधे शिव आधे पार्वती, तो वही बोला ना शिव शक्ति, समझ तो शिव ने जो शक्ति ली, शिव ने जो शक्ति ग्रहण की आदि शक्ति वो यहाँ ग्रहण की। अच्छा। हाँ। और शिव और आदि शक्ति दोनों का कॉम्बिनेशन एक सुपर पावर वो वहाँ है, भीमा शंकर में है। हाँ। तो जो वो सुपर पावर हुआ वो ग्रहण तो यहाँ किया, ग्रहण यहाँ किया, फिर उसका राक्षस का वध किया, राक्षस का वध करने के बाद फिर वो शिवलिंग छोड़ा वहाँ। और वो जो राक्षस था वो कुंभकर्ण का लड़का था ना, वो भीम का कुंभकर्ण का बेटा था तो उसका हत्या का वजह से वो महादेव की कुंभकर्ण की पत्नी ने उसको बताया था बेटे को कि तेरा वध उन्होंने किया था, उनसे बदला लेने के लिए, राम जी से बदला लेने के लिए उन्होंने उस पर साधना की। हाँ। महादेव की। हाँ नहीं, महादेव ने फिर वध किया, नहीं महादेव ने इसलिए वध किया भीम का, तभी ये भीमा शंकर कहलाया। भीम
और शंकर मिला के, पर उसने साधना की थी ना, पर तो वहाँ से वरदान नहीं मिला उनको, वरदान नहीं मिला, नहीं मिला उसके पहले उसको... उन्होंने राम जी से शत्रुता ली क्योंकि उन्होंने कुंभकर्ण को मारा था, शत्रुता ली थी उन्होंने। फिर महादेव ने राम जी से शत्रुता ली इसलिए वध करना पड़ा। बराबर। और वो गुप जो वहाँ पे जो गाय मुख से पानी आता है, हाँ, कोई बोलते कि ऊपर से नीचे आते हैं, नीचे से ऊपर नहीं जाते, मुझे उधर का पानी इधर आता है, वैसा कुछ है क्या? नहीं उसका मुझे लगा, आपको पता है क्या? नहीं, 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 नहीं। अच्छा ठीक है, तो उस बारे में थोड़ा देखता हूँ मैं किसी से बात करके। हम लोग को बताया है कि जो वहाँ से जो गाय मुख से पानी आता है ना, वो ऊपर से नीचे आता है, तो गुप है मुझे ऐसा कुछ है, पता नहीं मुझे। वहाँ पे भीमा शंकर के पास है ना वो, अरे वो उद्गम है, भीमा नदी का उद्गम है, उद्गम है ना, वो भीम ने वो किया था ना उसका जल अभिषेक की वजह से, वो करते ना उन लोग पानी का उपयोग किया था ना उसने, वो है ना वो। अच्छा वो उसका कुछ ये नहीं है क्या? नहीं है मुझे वो, मुझे इधर का वो पानी इधर नहीं आता है ऊपर, इधर वही आता है, वही ऊपर से निकलता है, उद्गम है वो, क्या है वो भी गुप्त है, गुप्त है। वैसे वो महादेव के जटाओं से निकली है तो वहाँ से आता है, लेकिन जमीन के अंदर आता तो कहीं दिखता है चलते हुए, कहीं अदृश्य भी हो जाता है, आगे आके फिर दिखाई देने लगता है, तो ये तो उन्हीं की लीला है। तो यही पानी वो है ना, ये पानी वो नीचे से ऊपर आ रहा है, भीमा नदी है। बराबर। और ये तो कुदरत का आरोह है। हाँ सही बात है, फिल्टर है परमात्मा, और पानी तो हर जगह है, ये तो अमृत है एक प्रकार से, आप प्रयोग करके देखिए। चलो हर हर महादेव, जय श्री राम। थोड़ा पानी दिखाओ ना, पी के अपन थोड़ा देख लेते हैं। आरोग्य का पानी, आरोग्य का, अरे जैसा नहीं इसमें भी ऊपर आरोग्य भी लगता है। सब बिस्लरी बिस्लरी सब पानी पहले भाई, ये नेचुरल पानी क्या है, वो मानव निर्मित है, ये कुदरत निर्मित है। मस्त लग रहा है आपका तो यहाँ पे भी थोड़ा शिवलिंग जैसा है, ये भी बहुत प्राचीन लग रहा है। मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे दो शिवलिंग दिख रहा है, क्योंकि शिवलिंग जैसा ही बना हुआ, क्योंकि यहाँ पे शायद माता जी ने भी शायद यहाँ पे भी बैठे रहेंगे, शायद जब महादेव बैठे थे, पता नहीं, पर पता नहीं इनके बारे में, पर ये शिवलिंग जैसा ही है। तो कभी भी आओगे तो देखो यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये पांच शिवलिंग ये सभी नवनिर्मित हैं, इसको काट के यहाँ जैसे आते थे दर्शन करने के लिए, तो बोलते यहाँ है ही नहीं, जबकि गुप्त बोलते किसे जो आसानी से ना दिखे, क्या हमारा गुप्त अंग दिखता नहीं? दिखता, शरीर का पूरा पार्ट दिखता लेकिन गुप्त अंग नहीं दिखता। इसी प्रकार से ये भी, इनको देखने के लिए शिव भक्त चाहिए, शिव भक्त की आँखें चाहिए, तो सब कुछ दिखता है, नॉर्मली सभी को सब कुछ नहीं दिखता है, तो सभी की श्रद्धा को देखते हुए एक काट के इसके अंदर पाँच शिवलिंग बनाए गए, ये पंचम शिवलिंग की शिव वो गादी है। तो यहाँ आते हैं दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए, तो ये नहीं दिखते तो वो दिख जाते हैं सहजता से, तो उनको एक संतुष्टि हो जाती है कि हाँ वो यहाँ हैं, बाबा यहाँ हैं, जबकि वो तो कणकण में व्याप्त हैं, पत्ते पत्ते में हैं, हर जगह व्याप्त हैं, उनको आप कहाँ ढूंढ रहे हैं? बोलो हर हर महादेव, जय हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, नंदी महाराज की जय। तो चलो फिर जाते हैं, मिलते हैं, आपको कैसा लगा, लाइक शेयर भी जरूर करना, सब्सक्राइब भी जरूर करना, कि ये सब चीज़ें आपको जरूर सीखनी चाहिए, और आपको कमेंट में कैसा लगा वो भी बताना, ठीक है। हर हर महादेव। बाजू